जय माता दी मेरे सभी भाइयों बहनों, आज मैं आपको आपके स्ट्रेस से बाहर निकलने का उपाय दूंगा, डिप्रेशन से बाहर निकलने का आपको उपाय देने आया हूं। आशा करता हूं आपको वो ज़रूर अच्छा लगेगा और कहना ये चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। और हाँ, काम की जानकारी फेसबुक और इंस्टा पर भी मैं आपके साथ साझा करता हूँ, आप वहाँ पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन, स्ट्रेस, दिमागी बीमारी, ये कब होती है? जब हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन की किसी भी प्रकार से कमी होने लग जाती है, ओवरथिंकिंग होने लग जाती है। ओवरथिंकिंग का मतलब हो जाता है बृहस्पति देव असंतुलित हो जाना जन्म कुंडली के अंदर। जब भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव राहु या केतु के साथ बैठे होते हैं तो इंसान के अंदर इंसाइट्सफुल बहुत तेज आते हैं। वो हर तरह से नॉलेज लेना चाहता है, हर किसी से अपेक्षाएं रखता है, एक्सपेक्टेशन रखता है। और जब ये एक्सपेक्टेशन की स्थिति जिंदगी के अंदर बढ़ने लग जाती है तो ये स्ट्रेस का काम करने लग जाती है। क्यों? जब पूर्ति नहीं होगी तो स्ट्रेस तो होगा ही, और यही धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ भी बढ़ने लग जाती है। अब यहाँ पर आप अगर अपने घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा, जिसे हम ईशान कोण कह देते हैं, यदि आप इसे किसी प्रकार से असंतुलित रखते हैं, असंतुलित का मतलब हो जाता है यहाँ पर आपका गार्बेज बहुत इकट्ठा रहता है, यहाँ पर आपका डस्टबिन पड़ा रहता हो, चाहे वो बहुत सुंदर डस्टबिन क्यों ना हो, यहाँ पर आप चीज़ों को बिल्कुल मैसअप करके रखते हैं, खराब करके रखते हैं, गंदे पर्दे हों, वॉश्ड ना होते हों, या फिर यहाँ पर किसी प्रकार की आक्रामक फोटो लगी होगी, तो आपके घर के अंदर डिप्रेशन के हालात जरूर बनते हैं। यहाँ की दीवारों में सीलन आ जाना, यहाँ की दीवारों में किसी प्रकार का क्रैक आ जाना भी आपको डिप्रेशन की तरफ बढ़ा देता है। और जब हम वास्तु के हिसाब से देखते हैं तो वास्तु का जब हम चार्ट बना करके पूरा प्रॉपर रखते हैं तो अगर आपके घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा इम्बैलेंस्ड होने के साथ साथ यदि वो लेस होती है, यदि वो कटी हुई होती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी व्यक्ति सबसे कटा कटा महसूस करता है और अपनी मेंटल एक्सपेक्टेशन पूरी ना होने के चक्कर में वो स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। उपाय क्या करें? बृहस्पति देव सबसे बड़े हैं इस पूरे एंटायर सोलर सिस्टम में, तो बृहस्पति का उपाय करिएगा, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। 65% ऑक्सीजन ही हमारे शरीर को, और जितनी भी हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका 70% हमारे ब्रेन को चाहिए होता है। ब्रेन राहु होता है, राहु ध्यान के मालिक हैं, अटेंशन के मालिक हैं। इसीलिए आप अपने घर की सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट दिशा को क्लियर करके आप अपने गले में लंबी सी सोने की चेन डाल लीजिएगा। क्लियर है? एक तो ये उपाय कर लीजिएगा। दूसरा उपाय, यहाँ पर चंद्रमा के साथ भी आपको जरूर थोड़ी सी दोस्ती कर लेनी चाहिए। वो कैसे, बता देता हूँ। 43 दिन यानी कि रेगुलर 43 दिन लगातार बरगद के पेड़ पर दूध, पानी और शहद तीनों को मिलाइए और उसकी गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगा के आ जाइएगा। इससे भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल का प्रभाव अच्छा होता है और आपके अंदर एनर्जी वापस आने लग जाती है और आप किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के काबिल बन जाते हैं। जो बीमारी लग गई है वो तो जाएगी नहीं इतनी आसानी से, तरीके से अगर चला जाए तो हो सकता है वो ईश्वर को चमत्कार कर दे। हम सब तो कर्म ही कर सकते हैं ना, इसीलिए आप अपने स्ट्रेस को भगाने का एक तो ये उपाय करिए, डिप्रेशन से मुक्ति कर पाने का ये उपाय करिए। और अगला बेहद इम्पोर्टेंट उपाय, आपके घर के आसपास या आपके घर में जो भी बुज़ुर्ग रहते हों, बड़े बुज़ुर्ग हों, और जितनी उनकी नॉलेज शार्प हो, नॉलेज शार्प अपने काम के वो परफेक्ट होने चाहिए, अपने नॉलेज में वो टॉप होने चाहिए, जो एक्सेलेंस पर हों, उनके आप पैर हाथ लगा करके आशीर्वाद ले लीजिएगा। यदि आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम उनसे प्यार से नमस्ते करके ही आशीर्वाद ले लीजिएगा। उनके साथ थोड़ी देर बैठ भी लेने से, थोड़ी नॉलेज शेयरिंग भी कर लेने से आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव संतुलित हो जाते हैं। आसान उपाय दे रहा हूँ, बहुत हार्ड नहीं है।
और आखिरी उपाय, बारिश का सीजन जब भी आए, जब भी आपको मौका मिले, अक्सर शुभ काम में कई बार मुहूर्त नहीं देखा जाता, जब भी आपको अवसर मिले, एक बरगद का पेड़ या एक पीपल का पेड़ आप अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाइएगा। आपको स्ट्रेस कभी नहीं होगा, यकीन मानिएगा, आप स्ट्रेस को हराने वाले बन जाएंगे और आप मास्टर बन सकते हैं अपने फील्ड के, अगर आप अपने जीवन में एक भी बरगद या आप पीपल का पेड़ लगा देते हैं, और अगर वो बढ़ जाता है, वो पनपने लग जाता है, आपको हाइट अवश्य मिलेगी और आप इस बीमारी से खुशी खुशी से मुक्ति भी पाएंगे। इसका तो इतना गहरा असर भी हो सकता है कि फिर हो सकता है स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी बीमारी आपके परिवार में ही किसी को ना हो। करके देखिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने डिप्रेशन की बीमारी को झेला है और आप चाहते हैं इससे मुक्ति पाना, एक पीपल का या बरगद का या दोनों पेड़ आप जरूर लगाइए और मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करिएगा। आपको एक कंसल्टेंसी, आपके एक सवाल का जवाब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। इसी के साथ जय माता दी।